दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे स्टार्टअप बिजनेस आइडिया के बारे में बताने जा रहा हूं जिस बिजनेस आइडिया की शुरुआत करके आप पूरी तरीके से इंडस्ट्री में राज कर सकते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है दोस्तों कि आपको अगर बिजनेस का बी भी नहीं आता तो भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और बेहतर कमाई कर सकते हैं। लेकिन उसको समझने के लिए और इस बिजनेस को करने के लिए आपको इस बिजनेस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस बिजनेस को प्रॉपर तरीके से समझ जाते हैं तो आप आसानी से इस बिजनेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं, इस वीडियो को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये एक्सक्लूसिव बिजनेस आइडिया है क्या और इस बिजनेस आइडिया को शुरू करने के लिए आपको किन-किन स्टेप्स की जरूरत पड़ने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार, आप देख रहे हैं स्टार्टअप अथॉरिटी यूट्यूब चैनल और पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। दोस्तों अगर मार्केट को समझना है तो मार्केट में यह जानना जरूरी है कि मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, और आज इस वीडियो में हम उसी से शुरुआत करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस आइडिया को आज मैं आपको बताने वाला हूं उस आइडिया के अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। दोस्तों आज ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट को आपने बहुत आसान से देखा होगा। आज के समय में जेप्टो और स्विगी जोमैटो इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो दावा करती है कि अगर ग्रोसरी को आप ऑनलाइन भी परचेज करते हैं तो आपके पास 10 मिनट के अंदर आपके घर पर उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन को प्रीफर ना करके ग्रोसरी को प्रीफर कर रहे हैं, जो किराना स्टोर्स या फिर जो लोकल स्टोर्स है उसको प्रीफर कर रहे हैं। अगर इसके कंपैरिजन को मैं देखूं तो यहां पर भारत के अंदर ऑनलाइन ग्रोसरी का जो मार्केट है वो 2.9 बिलियन डॉलर का था 2020 के अंदर, लेकिन अगर इसके एनुअल ग्रोथ की मैं बात करूं दोस्तों तो ये 37 बिलियन डॉलर का होने वाला है 2028 के अंदर। यानी कि बात साफ है कि आगे आने वाले 4 साल के अंदर ये जो है बिजनेस काफी तेजी से ग्रो करने वाला है। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे अगर हम बात करें आज के समय में रिटेल इंडस्ट्री की जो भारत के अंदर अवेलेबल है, तो मैं बता दूं कि पूरे भारत के अंदर 12 मिलियन रिटेल आउटलेट्स हैं। ये वो आउटलेट्स हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहे हैं और जिसका रिकॉर्ड जो है वो गवर्नमेंट के पास है। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टोर्स हैं जिनका कोई रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं है। वहीं पर अगर बात करें होलसेलर्स की तो यहां 1 मिलियन से ज्यादा 10 लाख से ज्यादा होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इसके बावजूद भी जो एस्टिमेटेड ऑनलाइन एस्टिमेटेड ग्रोसरी मार्केट है, जो लोकल ग्रोसरी मार्केट है भारत का, वो 611 मिलियन डॉलर का है। लेकिन अगर यही बात करें फॉरकास्टेड यानी 2028 की तो ये जो है 978 बिलियन डॉलर का होने वाला है। यानी कि जहां पर 37 मिलियन 2028 तक का ग्रोथ ऑनलाइन में देखने को मिल रहा था, वहां पर 978 बिलियन जो है ये आपको देखने को मिल रहा है ऑनलाइन के अंदर। अभी भी बहुत बड़ा इसके बीच का गैप बरकरार है। अब मुद्दा आता है कि इस गैप से हमें क्या करना है, तो आज मैं यही पे एक बिजनेस आइडिया आपको प्रपोज करने वाला हूं और ये बिजनेस आइडिया आपकी जिंदगी में चार चांद लगा सकता है। तो अब ये बिजनेस आइडिया क्या है, आखिर आपको यह समझना होगा कि इतनी सारी सुविधा होने के बाद ऑनलाइन मार्केट में ऑनलाइन ग्रोसरी अवेलेबल होने के बाद भी आखिर 37 बिलियन डॉलर का स्पेंड ही वहां पर क्यों हो रहा है। इसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक है आपके घर के आसपास का जो रिटेलर है उसके पास आप खाता मेंटेन करते हैं, खाता मेंटेन करते हैं यानी कि उससे सामान ले लेते हैं, एडवांस ले लेते हैं और पैसा उसको बाद में देते हैं। लेकिन ये सुविधा आज के टाइम में इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। तो जरा सोचिए कि आप एक ऐसे एप्लीकेशन का निर्माण करते हैं जिस एप्लीकेशन से कुछ पैसे 7 दिन के लिए 10 दिन के लिए बोरो किया जा सके, दिया जा सके, और जो ऑनलाइन से सिर्फ शॉपिंग करने का हो, और जैसे ही आपके पास पैसे आ जाए आपको उस पैसे में देना पड़े और इसके लिए आपको 1 भी रुपया पैसा नहीं देना पड़े, तो क्या आप इस चीज को यूज करना चाहेंगे?
मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग यूज करना चाहेंगे। आपका क्या कमेंट है इस वीडियो के नीचे भी जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अगर इस तरह का कोई एप्लीकेशन मिलता है जिसमें एक भी रुपया नहीं देना पड़ता है तो 7-8 दिन के लिए लोग बड़े आराम से बड़े प्यार से यूज करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन मीडियम में अगर आप शॉपिंग करते हैं, क्रेडिट कार्ड का भी यूज करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज देना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं देते हैं तो आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अब अगर आप एक ऐसा एप्लीकेशन बनाते हैं जो एडवांस में यानी प्री एडवांस बुकिंग जो है पैसे का कुछ लॉट जो है वो आपको दे दे, तो आप इसका यूज करेंगे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ कुछ और फैसिलिटी ऐड हो जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी जो ऑफर दे रही है, जैसे बिग बास्केट ऑफर दे रहा है या फिर कोई और कंपनी ऑफर दे रही है, उसका एक्सक्लूसिव राइट जो है उसके साथ हो जाए कि वो आपके कूपन को यूज करके उनके थ्रू शॉपिंग करें और वॉलेट से आपके पैसे वहां पे कट जाए। तो इस तरह से आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसको यूज करना चाहेंगे और बाद में 7 दिन के बाद उस पैसे को दे देंगे। तो इस तरह से अगर आप एक एप्लीकेशन का निर्माण करते हैं और बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो यहां से आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। बात आई कमाई की तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि यार जब हम पैसे दे रहे हैं उस पर कुछ कमीशन ले नहीं रहे हैं तो हमें फायदा कैसे होगा। तो दोस्तों यहां पर सारा गेम होता है वो यूजर्स का। अगर आपने 7 डेज का ब्रैकेट ले लिया तो 7 दिन के बाद आप अगर पैसे रखते हैं तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि सारे लोग ऐसे नहीं है जो 7 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे, यानी कि कुछ पैसे कमीशन के रूप में इंटरेस्ट के रूप में आपको मिलेगा। तो पहला कमाई का जो सोर्स होगा वो ये हो जाएगा। दूसरे कमाई का जो सोर्स है दोस्तों जिसके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं वो है एडवर्टाइजमेंट। फॉर एग्जाम्पल कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एडवर्टाइज करना चाहते हैं आपके प्लेटफॉर्म पर जहां पे सबसे अच्छे यूजर्स है यानी क्रेडिट वाले यूजर हैं। तो आप चूंकि सैलरीड पर्सन के लिए ये काम कर रहे हैं, आप उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो थोड़े पैसे बारो करने वाले हैं, तो वैसे में आपका जो क्रेडेंशियल्स होगा, जो क्रेडिटबिलिटी होगा मार्केट के अंदर, वो सबसे अच्छा होगा। और जब क्रेडिबिलिटी अच्छी होगी दोस्तों तो आपको अच्छे खासे एडवर्टाइजिंग के पैसे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा 40,000 की सैलरी कमा रहा है तो उसको 10,000 तक का लोन आप एडवांस में जरूर दे सकते हैं। तो इस तरह से आप इस सेक्टर में काफी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप कूपन्स ऑफर कर सकते हैं, डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, जिससे कि ये प्लेटफॉर्म के जो यूजर्स हैं वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जा करके और शॉपिंग कर सकेंगे। और अगर ऐसा आप कर पाते हैं दोस्तों तो आपके पास एक ऐसा यूजर बेस होगा जिसको आप आगे चल के फाइनेंशियल सर्विस भी दे सकते हैं। कोई भी फाइनेंशियल सर्विस जो है वो आप दे सकते हैं उसके साथ, तो ये एक बेहतर ऑप्शन होगा। आगे बड़े लोन्स की भी बात आएगी वो भी दे सकते हैं, होम लोन से रिलेटेड अगर कोई ऑप्शन है तो भी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि एज ए इंडिविजुअल आप इतना पैसा देंगे कैसे, क्योंकि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको मोबाइल एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, किसी थर्ड पार्टी से आप लेकर मोबाइल एप्लीकेशन बनवा के काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट आती है तो आप ये देंगे कैसे, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन है। तो इसके करने के कई तरीके हैं दोस्तों। आप चाहें तो HNI से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से उसको कनेक्ट कर सकते हैं, उससे बोल सकते हैं कि मैं एक एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूं जिस एप्लीकेशन से ये फैसिलिटी होगी और यूजर्स को बहुत जबरदस्त फायदा हो सकता है, तो वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा आप NBFCs को कनेक्ट कर सकते हैं, बैंक को कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो है आप इन सारे को पैसा दे सकते हैं और बैंक के थ्रू दे सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात और आती है कि अगर कोई बंदा पैसे ना दे तो क्या होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं यहां पर कि बैंक के अंदर या फिर जितने भी लोग इस तरह के काम करते हैं उनका कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, कुछ बैंक के रिकवरी प्रोसेस भी होते हैं, वो भी आपको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, चैनलाइज करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब इस वीडियो में आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि मार्केट का गैप क्या है और उस मार्केट के गैप पर बिजनेस जो आप शुरू करने जा रहे हैं उससे प्रॉफिट कैसे हो सकती है और ये बिजनेस है क्या। तो दोस्तों अगर इस बिजनेस में कोई भी कंफ्यूजन होता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये बिजनेस पसंद आती है तो बिजनेस को लाइक करके, इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय भारत।